start our grammar lecture okay let's start our grammar lecture chapter number 6 which chapter chapter number 6 its name he she i you it he she i you it he he किसके लिए हम यूज करते थे आप लोगों ने ये दोनों तो अगले चैप्टर में पढ़े कर ही लिया है ही मीन्स ही हम यूज करते हैं बोई के लिए हम कभी भी बोई की कुछ बात करनी है तो फर्स्ट सेंटेंस हमने ऐसा ही बोल दिया है कि राम इज माई फ्रेंड बट सेकेंड सेंटेंस आपको उसी के बारे में बोलना है तो क्या आप बोल सकते हो ही ओके ही लाइक्स एप्पल ऐसे आप बोल सकते हो तो ऐसे ही आपको क्या ध्यान रखना है ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि बॉय के बदले हम ई का यूज कर सकते हैं और गर्ल का यूज कब करना है तो गर्ल के यूज पे आप सी ओके गर्ल के बारे में कुछ बात करनी है तो आप सी का यूज कर सकते हैं तो ये आई यू इट इसका यूज कब होगा तो चलो पढ़ाई करते हैं ओके अस रिवाइज अस रिवाइज हम रिवाइज करेंगे क्या रिवाइज करना है तो वी यूज ही इन प्लेस ऑफ दी नेम ऑफ अ मैन और अ बॉय बॉय के लिए हम बात करते हैं कोई भी मैन की बात हो रही है और बॉय की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे प्लेस ऑफ द नेम नेम के बदले हम ही का यूज कर सकते हैं ओके दिस इज डन नेक्स्ट वन वी यूज शी इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ गर्ल और वुमन वुमन और गर्ल के बारे में कुछ बात करनी है तो उसकी नेम ऑफ द प्लेस उसकी जगह पे उसका नेम की जगह पे आप किसका यूज कर सकते हो तो आप शी का यूज कर सकते हो किसका यूज कर सकते हो शी का डन नेक्स्ट वन वी यूज आई व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्व आवर सेल्व मतलब क्या तो वी यूज आई हम जब आई का यूज करते हैं वैन वी यूज आई तो हम जब आई का यूज करते हैं अबाउट अवर सेल्व अवर सेल्व मतलब हमारे बारे में हम अगर हमारे बारे में ही हमें बात करनी है लाइक like, uh, मुझे मुझे है ना रेड कलर अच्छा लगता है तो हम क्या बोलेंगे आई लाइक रेड कलर ओके तो ऐसे ही आपको Ourselves, मतलब हमारे हमें हमारे बारे में बात करनी है जैसे कि आप मैं आपको बोलती हूँ कि वट इज योर नैम तो आप क्या बोलोगे तो आप बोलोगे ना कि आई एम प्रिंस आई एम राज ऐसे आप बोलोगे आई एम नीलेस आई एम कमलेश बोलते हो आपको अगर अपने बारे में बात करनी है जैसे कि चलो मुझ मैं आपको पूछ रही हूँ कि वॉट इज यो आप क्या बोलोगे तो आपने बोला ना आप लोगों ने अपना नेम बोला दे जैसे कि देखो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आई एम बंसी तो तो मैंने अपने खुद के बारे में बात की तो आपको ऐसा बोला है वेन वी टॉक अबाउट अवर सेल्व मतलब हम हमारे बारे में बात करते हैं तो क्या आता है आई एम आई एम अ टीचर हो गया तो मैं मेरे बारे में बात करने अगर आपको आपके बारे में बात करनी है तो देखो आप ऐसे बात करोगे कि आई एम रिया फिर आई लाइक साइक्लिंग मुझे साइक्लिंग करना अच्छा लगता है फिर आई आई लाइक्स बनाना फिर आप ऐसे ऐसे बात कर सकते हो ओके okay, तो वैसे ही अगर आपको ऐसा बोलना है फिर आई एम गर्ल ऐसे बोल गए तो आपको अगर अपने बारे में बात करनी है तो वहाँ पे यूज़ आएगा आई नेक्स्ट वन वी यूज़ यू वैन वी टॉक टू वन और मोर देन वन पर्सन वेन use you अगर यूज कर रहा है यू यू का भी यूज करते हैं तो हमारे सामने वाले के लिए हम बात करते हैं ओके वेन वी टॉक अबाउट वन और मोर देन पर्सन वन पर्सन अगर हमें हमारे सामने वाले के लिए बात करनी है जैसे कि आप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना आप तो, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको आपके लिए यू यूज़ कर सकती हूँ फिर वन एक के लिए भी कर सकते हैं और मोर देखो यहाँ पे ये हाईलाइट करने जैसी बात है यहाँ पे सब पे एक ही कोई भी एक के लिए ही हम यूज कर सकते थे ही और शी कोई भी एक बॉय है तो हम एक के लिए यूज कर सकते हैं शी एक ही गर्ल है तो हम एक गर्ल के यूज कर सकते हैं आई तो हम हमारे खुद के अकेले के बारे में बात कर रहे हैं तब एक पर यू ऐसा एक है कि उसके लिए हम बात करते हैं तो एक टॉक टू वन वन के लिए भी बात करेंगे और मोर देन वन पर्सन के लिए भी एक से ज्यादा पर्सन के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं ओके okay? तो एक ऐसा यू ही ऐसा है कि हम एक के लिए भी बात कर सकते हैं और मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा के लिए भी बात कर सकते हैं ओके वी यूज इट इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ थिंग बर्ड और एन एनिमल देखो आपको ऐसा बोला है कि इट अब इट का यूज कब करना है तो इट का यूज करना है अबाउट थिंग कोई भी चीज वस्तु के लिए जैसे कि चलो आपको थिंग्स तो अब बहुत सारी आती है नेमिंग वर्ड से हम पढ़ रहे हैं थिंग्स के बारे में चलो बताओ कौन कौन सी थिंग्स है यस बैग बुक टेबल डोर डेस्क फिर बाउल स्केल स्टोन टेम डन तो आपको ऐसी थिंग्स थिंग्स के बारे में अगर हमें उसी थिंग्स के बारे में दूसरी बार बात करनी है तो हम यूज कर सकते हैं इट अ बर्ड कोई भी बर्ड के बारे में लाइक आई लाइक पिकॉक सॉरी पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड अगर हमें ऐसा बोलना है तो पिकॉक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है ओके okay, वापस से हमें पिकॉक के बारे में बात करनी है तो हम इस किसका यूज कर सकते हैं इट का एंड और एनिमल अगर हमें एनिमल के बारे में बात करनी तो भी हम इट का यूज कर सकते इन शॉर्ट आप थिंग्स में कोई भी थिंग्स ले लो उसके लिए हम इट यूज कर सकते हैं डन एवरीथिंग यू एक यू एक है ना थोड़ा सा टेड़ा मेढ़ा है चेड़ा मेड़ा मतलब थोड़ा सा ट्विस्टिंग टाइप है वो एक के लिए भी यूज होता है और मोर देन वन के लिए एक से ज्यादा लोगों के लिए बात करनी है तब पर यू है ना यू मतलब ऐसे सामने वाले हमारे सामने वाले के लिए बात करनी है हमें तो हम यू का यूज करेंगे ओके ही मीन्स कोई भी बॉय के लिए शी मीन्स कोई भी गर्ल आई अवर सेल्व अवर मतलब हम खुद के लिए यू यू मतलब आपके सामने वाले कोई भी लाइक आप आपके सामने अभी ममा बैठी है तो तो आपके सामने अगर ममा बैठे हैं तो आप ममा के बारे में ऐसे बात कर सकते हो ओके okay? आपके सामने अगर डैडी बैठे है तो आपके लिए वो आपके सामने वाले हो गए तो आपके सामने वाले के लिए बात करनी है तो यू ओके एंड ईट इट मीन्स कोई भी थिंग्स बर्ड्स एंड एनिमल के लिए इट्स इजी नाउ थ्री फाइव फाइव याद रह गए टू तो हमें आते ही थे सिर्फ क्या सीखना था आपको सिर्फ आपको सीखना था थ्री के बारे में चलो लेट स्टार्ट डेफिनेशन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा अगर होमवर्क में दू कि डेफिनेशन तो ये डेफिनेशन लिखनी है आपको बच्चा पार्टी चलो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम नेमिंग वर्ड्स वी रिप्लेस दम बाय ही शी आई यू एंड ईट उन्स प्रोनाउंस pronouns. Pronouns की अगर मैं डेफिनेशन दू तो ये डेफिनेशन लिखनी है कैसी डेफिनेशन है तो आई रिपीट इट तो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम ने आपको दिए गए सेम ने अगर आपको वही नेमिंग वर्ड के बारे में बात करनी है तो हम वी रिप्लेस दम तो हम कैसे बात कर सकते देखो इतना बड़ा अगर नेम है लाइक like, हमें हम बात कर रहे हैं कोई भी परसोत्तम भाई की तो परसोतम भाई ये कितना बड़ा वर्ड हो गया देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूं अगर हम मैं परसोत्तम भाई के बारे में बात कर रही हूँ देखो ये कितना बड़ा स्पेलिंग हो गया परसोत्तम भाई मैंने ऐसी बात की तो परसोत्तम भाई इज गुड पर्सन परसोतम भाई है वो गुड पर्सन है वो अच्छे इंसान है डन अगर वापस से मुझे परसोत्तम भाई के बारे में बात करनी है तो तो इतना बड़ा नेम ना लिखना पड़े इतना बड़ा नेम ना लिखने पड़े तो हम ही यूज कर सकेंगे यस yes? यस yes, बच्चा पट्टी हम्म इसीलिए इसको क्या करते हैं ही तो दिस वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस इसको क्या बोलेंगे प्रोनाउंस बोलेंगे नाउन के बदले यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउंस बोलते हैं ओके okay, नाउंस नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड कोई भी नेमिंग वर्ड है उसको आप नाउन भी बोल सकते हो ओके okay? तो नाउन के बदले यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस डन प्रोनाउंस आर द वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स मैंने बताया कि नेमिंग वर्ड्स और नाउन एक ही है जैसे कि आपका नेम घर पे है, आपका सॉरी आपका नेम प्रॉपर आपका नेम है वो लाइक like, मानसी है आपका प्रॉपर नेम मानसी है पर आपको घर पे कोई ऐसा बोलता है कि मनु मनु कोई ऐसा बुलाता है लाइक आपका नेम मानसी है पर आप क्या बोलते हैं आपके घर वाले आपको मनु ही बुलाते हैं ओके okay, तो वो क्या हो गया नाम के बदले यूज किया गया तो ऐसे ही यहां पे भी ऐसा ही है कि नेमिंग वर्ड्स है तो उसको आप नाउन भी बोल सकते हो देन तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स वी यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स है कि हम नेमिंग वर्ड्स के बदले हम यूज कर सकते हैं समटाइम्स इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम नेमिंग वर्ड्स वी रिप्लेस दम बाय ही शी आई यू इट वो क्या उसको हम यूज कर सकते हैं के बारे में बात करेंगे ओके okay? चलो अब क्या करना है थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे जैसे मैंने परसोत्तम भाई का एग्जाम्पल दिया था वैसे ही ये सब एग्जाम्पल्स है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए सेंटेंसेस को आपको रीड करना है फर्स्ट वन विक्की इज माय फ्रेंड विक्की है वो मेरा फ्रेंड he likes bananas. देखो, है दिस इज द विक्की ही लाइक्स बनानास देखो विक्की है विक्की वापस ना लिखना पड़े तो क्या लिख दिया उसने ही दिस इज द बॉय विक्की इज अ बॉय और गर्ल सो विक्की इज बॉय तो ही ही लाइक्स बनानास ही लाइक्स बनाना उसको बनाना अच्छे लगते हैं इन द सेकेंड सेंटेंस मतलब सेकेंड सेंटेंस में ही स्ट्रेंड्स फॉर विकी वो ही स्ट्रेंड्स फॉर विकी डन सेकेंड सेंटेंस डन नेक्स्ट वन मीना इज अ गर्ल मीना क्या है मीना एक गर्ल है चलो तो आपको पता चली गया मीना कौन है तो मीना इज द गर्ल तो चलो कोई भी गर्ल के लिए हम क्या लगा सकते हैं बताओ बताओ हम्म शी तो सी इज टेन ईयर्स ओल्ड वो कितने साल की है टेन ईयर्स ओल्ड वो टेन ईयर्स की है अगर देखो वापस से हमें मीना ना लिखो ये स्पेलिंग ना लिखना पड़े तो नेम के बदले हमने यूज किया ये नेम है दिस इज द नेम नेम के बदले हमने यूज किया शी तो नेम के बदले जो यूज होता है उसको प्रोनाउंस बोलते हैं ओके इन द सेकेंड सेंटेंस शी स््रेंस फॉर मीना देन थर्ड वन किटी इज अ कैट किटी है वो कैट है चलो पहले तो किटी है आप बताओ मुझे कैट किस में आएगा कैट है वो क्या है एनिमल है चलो तो एनिमल एनिमल किस के बदले हम क्यों क्या यूज कर सकते हैं इट देन तो इट इज स्लीपिंग इन द बास्केट वो बास्केट के अंदर सो रही है देखो कितनी क्यूट लग रही है लग रही है ना तो इट इज स्लीपिंग इन द बास्केट वो बास्केट पे बास्केट के अंदर सो रही है स्लीपिंग सो रही है इन द सेकेंड सेंटेंस इट स्ट्रेंस फॉर द कैट देन नंबर फोर i am going देखो ये बच्चा है वो खुद से ऐसा बोल रहा है i was वो खुद को ही ऐसा बोल रहा है कि i am going उसके बारे में बात हो रही है खुद के लिए खुद के बारे में बात हो तब तो हम क्या लगाएंगे i दो तो हमें आते ही थे ही और शी हमें सिर्फ सीखने थे i eat i और you डन तो i am going मैं जा रहा हूं हम हमारे बारे में बात करते हैं तब नंबर 5 चिल्ड्रन इट इज़ प्ले टाइम चिल्ड्रन मतलब में हम ऐसे टीचर्स बोलते हैं ऐसे कि चिल्ड्रन इट इज़ प्ले टाइम चलो ये खेलने का टाइम है इट इज़ प्ले टाइम ये खेलने का टाइम है चलो वो टीचर है वो सामने वाले के लिए बोल रही है सारे के सारे देखो यू लगाया उसने. मैंने आपको बताया था अगर आपको आपके सामने वाले के लिए बात करनी है तो क्या करना है यू तो यू कैन गो आउट टू प्ले आफ्टर वन आवर यू कैन गो आप जा सकते हो आउट ऑफ प्ले आफ्टर वन आवर एक वन आवर के बाद आप खेलने के लिए बाहर जा सकते हो डन तो अगर हमें हमारे सामने वाले के लिए बात करनी है तो विन यूज यू